तो इंजीनियर्स एक बार फिर से आ चुका हूँ मैं हमारे इंजीनियर्स को लेके, जहाँ पर इनकी 2 मंथ की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको सिविल गुरुजी के बारे में कुछ बताने वाले हैं, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताने वाले हैं कि इन्होंने 2 महीने में क्या क्या सीखा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि क्या हम 2 महीने में जो बोलते हैं वही सिखाते हैं या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दानव, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी महाराष्ट्र में, जहां पर बात करते हैं हम कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में, यानी कि आपके बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम हमारे इंजीनियर्स का रिव्यू लेके आ रहे हैं, जहाँ पर हमारे इंजीनियर आज आपको अपनी 2 मंथ की ट्रेनिंग, 2 मंथ की जर्नी कैसी रही वो आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा इंजीनियर शादाब को, जो आपको बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने सीखा इस 2 महीने में। तो आइए शादाब। तो शादाब, पहले अपने बारे में बताइए। मैं मोहम्मद शादाब अहमद, बोकारो झारखंड से आया हूँ। अच्छा, तो 2 महीने पहले आप आए थे यहाँ पर, सितंबर मंथ में ज्वाइन किया था आपने। तो उस टाइम पे आए थे तो क्या सोचकर आए थे कि क्या क्या सीखने मिलेगा? जब मैं यहाँ आया झारखंड से बोकारो को, इतनी दूर ट्रैवल करके, मैं बस यही सोचता था कि मुझे बस सीखना है। और जब मैं यहाँ असल में आया तो मुझे देखने को मिला कि हाँ, असल में यहाँ कुछ ऐसी चीज़ सिखाई जाती है जो असल में सिविल इंजीनियर को कभी भी साइट पे जाने से पहले मालूम होनी चाहिए, ज़रूरी, मतलब उस चीज़ को सीखा होना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, मतलब सीखना होना बहुत। तो जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी वो फुलफ़िल हो पाई, नहीं हो पाई? जी, यहाँ आने के बाद मैंने स्टार्टिंग से, एक कंस्ट्रक्शन में क्या स्टार्टिंग पॉइंट होता है से कहाँ तक की उसकी फिनिशिंग वर्क होती है, तो वो स्टार्टिंग से लेकर एंड वर्क तक मैंने सारा कुछ यहाँ जाना सीखा और उसको किया भी। तो क्या प्रैक्टिकली नॉलेज कैसा रहा फिर आपका? प्रैक्टिकली नॉलेज भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस हमारे सर के साथ भी और साइट पे भी काफ़ी अच्छा सीखने को, देखने को मिला। असल में सिर्फ यहाँ सीखने को नहीं, असल में साइट को देखने को, समझने को ही मिला और एक्सपीरियंस करने को मिला साइट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि और हमारे इंजीनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, जो ये सोच रहे होंगे कि क्या हमको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सबसे पहले तो मेरा यही मैसेज रहेगा, अगर आप वर्किंग गाय नहीं है, अगर आप फ्रेशर है, अभी अभी पास आउट है या पास आउट होने वाले हैं, तो आपको चाहिए कि जब भी पास आउट हो तो या तो आप पहले साइट का सारा चीज़ जान ले। असल में हमारे को इंजीनियर के होने के तहत में हमें क्या मालूम होना चाहिए, साइट का क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, या तो हम उसे जानकारी ले, या तो किसी भी साइट पे जा कर के सीखे, कहीं से भी उसे सीख लेना मतलब बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, तो ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टी थी जिसको आप फेस कर रहे थे, है ना, यहाँ आने से पहले कोई डिफ़िकल्टी रही होगी जिसको आपने फेस किया, इसी वजह से आपने ज्वाइन किया होगा, तो कौन सी डिफ़िकल्टीज थी? वो नॉलेज की काफ़ी कमी थी और स्किल्स, कहने का मतलब जैसे मैंने थियोरिटिकली कॉलेज में तो काफ़ी कुछ पढ़ा लेकिन देखा नहीं था असल में क्या चीज़ था, साइट में क्या होता है, असल में वो चीज़ को मैं जानता नहीं था। तो इंटरव्यू वगैरह फेस करने में भी काफ़ी सोचता था कि इंटरव्यू फेस करने में काफ़ी डरता था असल में, कि जाकर क्या बोलना होता है, कैसे उसको बताना, नहीं बताना, अगर नहीं आएगा तो उसको चीज़ को कैसे टैकल करना। अब मैंने जाना कि असल में इंटरव्यू कुछ नहीं होता, वही चीज़ होता जो आप जानते हैं, वो उसे उस चीज़ को इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को बताना ही इंटरव्यू होता है। अच्छा, तो अभी बता पाओगे इंटरव्यूअर के सामने जाके? जरूर, मैं बता दूंगा आराम से। ओके, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद शादाब, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। तो जैसे कि इंजीनियर्स, आपने शादाब से सुना कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आज सीखी है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हुआ, कौन सी डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहे थे अपने प्रीवियस टाइम में जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने अपना वो जो फेल्यूअर था उसको आज एक अच्छे लेवल पर ला लिया, जिससे वो आज डरते नहीं हैं, आज किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए वो रेडी है, और एक इंडस्ट्रियल डिमांड के लेवल पर वो खड़े हुए हैं, जहाँ पर आज वो अपनी लाइफ को अच्छी जगह पर ले जा सकते हैं, इस पाथ पर वो आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही और भी हमारे इंजीनियर्स हैं जो आपको बताने वाले हैं अपनी जर्नी के बारे में। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा इंजीनियर शैलेश को, जो आपको बताने वाले हैं अपनी जर्नी के बारे में। आइए शैलेश, पहले शैलेश अपने बारे में बताइए इंजीनियर्स को। सर, मेरा नाम शैलेश शिंदे है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अभी मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और सब कुछ मेरे को समझ में आया है, पहले इतना कैसे खास समझ में नहीं आता था। तो कैसा लग रहा है अभी ट्रेनिंग? अभी कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हम कर सकते हैं,
अभी मतलब मैं खुद ही एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, अभी इंजीनियर बन गया ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा, तो क्या बनना चाहते हो आप फ्यूचर में, आपका गोल क्या है? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, तो क्या आप उस गोल को अचीव कर पाओगे आपको लगता है? यस सर, जरूर जरूर कर पाऊंगा। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्या क्या जरूरी होता है पहले ये बताइए। सबसे पहले हमें सारा चीज़ आना जरूरी है, जो भी हमने सीखा है, एस्टिमेशन, बिलिंग, रेट एनालिसिस, क्वांटिटी सर्वे, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग वगैरह, और कंप्यूटर स्किल भी हमें आना चाहिए, और मैनेजमेंट स्किल बहुत जरूरी है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर को आना चाहिए। बिल्कुल, तो क्या इस चीज़ों को आप सीख पाए यहाँ पर रह के? यस सर, सीख पाए, जरूर सीख पाए, और अच्छे डीपली हमें सिखाया, और विजुअलाइज भी हुआ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रहती है, और साइट पर जाने के बाद हमें पूरा हमने लेआउट वगैरह पूरा परफॉर्म किया, इसी वजह से हमें अभी कोई तकलीफ नहीं आएगी जब हम करेंगे साइट पर तब। ओके, तो क्या लगता है कितने दिनों में आप प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पे पहुंच पाओगे? सर आई थिंक दो तीन साल में मैं हो जाऊंगा सर। अच्छा, तो इतना ट्रेंड हो चुके हो, कॉन्फिडेंस है अंदर कि वहाँ तक पहुंच जाओगे? हाँ सर, पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो हमारे इंजीनियर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर मेरा यही है कि भाई जो आपको लगता है भाई कॉन्फिडेंस वगैरह कम है, तो और अपना नॉलेज भी बढ़ाने के लिए भाई एक बार आके जाओ, जो सीखने के बाद आपको लगेगा कि भाई हम कुछ आगे कर सकते हैं। ओके, ठीक है शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे इंजीनियर्स को आपने एक अच्छा गाइड दिया है ना। तो देखा इंजीनियर्स की कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एकदम रेडी है, प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पर इनको जाना है। तो आगे तो मैं और इंजीनियर्स को बुलाऊंगा, तो आज हमारे पास एक इंजीनियर आने वाले हैं, तो उनसे ही सुनते हैं कि क्या कहना है उनका, क्योंकि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है वो, तो उनसे सुनते हैं कि क्या उनको ज़रूरत पड़ी थी कि वो यहाँ पर आए। तो आगे मैं बुलाना चाहता हूँ राघवेंद्र जी को, जो यहाँ पर अपने बारे में बताने वाले हैं और एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी इस 2 मंथ की जर्नी को। आइए राघवेंद्र जी। थैंक यू सर, पहली बार यहाँ पे बुलाने के लिए। अच्छा। मेरा नाम राघवेंद्र है। अच्छा। मैं पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा। पहले मैं सिविल का काम, सुपरवाइजिंग का काम हैंडल करता था, बाद में कॉन्ट्रैक्टिंग लेना हैंडल किया, बाद में गवर्नमेंट का काम भी कर रहा हूँ, पर एक दिक्कत आती थी हमेशा। अच्छा। नॉलेज में अगर हम किसी के सामने जाते हैं ना, खुद में नॉलेज है तो मुंह से कॉन्फिडेंस रहता है। अगर आपकी नॉलेज में थोड़ी सी कमी है, 1% का भी हो, तो आप डिप्रेस हो जाते हो। मेरा ऐसे एक डील कैंसिल हुआ सर, उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा। फ्लिपकार्ट का एक गोडाउन बना रहा था जहाँ हमारा इलाके में, कर्नाटका में, वो सेंट्रलाइज गुड़ान रहे थे ना। अच्छा। उनका पार्सल का वो बड़ी एक 2-3 CR का प्रोजेक्ट था, वो एक पुणे की कंस्ट्रक्शन का कंपनी था, तो हमें तो वहाँ काम नहीं मिलेगा उतना बड़ा प्रोजेक्ट में, तो हम गए क्या उसमें कुछ छोटा मोटा काम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे अप्रोच किया। तो अप्रोच करने से पहले हमको एक डर था, क्या इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है तो बड़ी कंपनी है, तो हमारा तो एक्सपीरियंस नहीं है इन सब से डील करने के, तो बड़ी कंपनी में कैसे काम होता होगा। हाँ, इसीलिए थोड़ा नर्वस भी थे, और वो अगर काम दे दिया कुछ पूछेंगे कैसे, टेक्निकली कैसे बताएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा झिझक था। अभी देखो पैसे का भी मामला है कि हम काम करने की रेडी है, तो हम सर्विस देने के लिए रेडी है, काम करना हमें आता है, और उन्होंने हमारा इलाके में आके, थोड़ा मेरा हिंदी थोड़ा ऊंच नीच होता है, हमारा इलाके में आके वो काम कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, करने के लिए हिम्मत नहीं है, तो ऐसे भी कैसे भी करके एक उन्होंने क्या है ना, जनरल पहले वो कंस्ट्रक्शन का काम में हमें घुसने नहीं दिया, बाद में क्या हुआ, सराउंडिंग कंपाउंड वॉल बनाना था, वहाँ पर क्या है ना, थोड़ा वो उनका कंपनी का और उसका बॉर्डर नहीं फाइंड आउट नहीं हुआ। अच्छा। बाद में क्या वो कोर्ट में थोड़ा वो दिक्कत हो गई, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता ना उसके हिसाब से काम करके निकल गए, और 6 महीने के बाद उनको बोल रहे हैं अभी आओ कंपाउंड लगा लो, तो इन्होंने क्या किया, सिंपल सी तरीका, अभी वापस आ गए, देखो हमारा टीम तो पूरा निकल चुका है यहाँ से, सो लोकल वालों को ये काम दे के हम निकल जाएंगे, क्या सुपरविजन करेंगे हम, ऐसे बोल दिया। बाद में लोकल वालों का भी मौका मिला, हम भी गए लाइन में देखेंगे हमारा क्या होता है,
वहाँ पे दिक्कत आई, एस्टिमेशन हमने बनाया था ना तो हम खुद नहीं बनाया था, तो किसी से बना के लेके गया था ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें डीप नॉलेज नहीं था। वो एक ही क्वेश्चन किया, देखो जादव भाई अगर आप 78 लाख का एस्टिमेशन किया है, मुझे 10 या 15 लाख इसमें कम होता है, कैसे होता है आप बता दो। अभी फंस गए, नॉलेज नहीं थी। और वो तो हमें समझा, मैं क्या समझा अगर वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, चलेगा नहीं सर मेरा तो इतना ही होता है, इससे कम नहीं होता। तो बाद में उन्होंने अप्रोच किया कास्टिंग वालों को, वो रेडीमेड कंपट मिलता है ना, उनको भी पता नहीं है ये एस्टिमेशन मैंने दिया है ना उसमें कैसे 15 लाख कम होगा, उनको पता नहीं है। मगर मुझे वो पॉइंट नहीं पता था, उनको पता है कि नहीं। ऐसे अगर हमें कुछ जो हमारा कमियाँ है ना, शॉर्टेज दो, वो हमें पता रहता है, सामने वालों को पता नहीं रहता है। हम क्या समझते हैं उसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो मैंने उसी दिन तान लिया, देखो इसी लाइन में काम तो कर रहे, नॉलेज लेके काम करेंगे, वो कहीं से भी मिले कैसे भी मिले। यहाँ आने पे पहले अभी जाओगे ट्रेनिंग करोगे बच्चों के साथ, ऐसे भी हो रहा था। मैं समझा नॉलेज मुझे चाहिए, एक बार मुझे थरोली मुझे सिविल का नॉलेज आ गया, फिर काम करो या ना करो मुझे तो तसल्ली रहेगी। तो उस एक्सपेक्टेशन से मैं यहाँ आया, करना है कुछ खास, चलो हमारा साथ, इनका स्लोगन देख लिया, आ गए। बाद में यहाँ आके वो बात ठीक है, मुझे लगा अच्छा है। मैं क्या समझा नर्सरी के जैसे लोगों को बिठाते हैं कुछ ऐसे रेडीमेड चीज़ों को, नहीं है चीज़ों को भारी की से, उनका सॉफ्टवेयर डेवलपिंग है ना वो बहुत काम किया है इन्होंने, एक एक मॉडल को भारी की से, वो सब क्या है ना ऐसे मुंह से बोलने से वो पता चलता है, क्योंकि हम ग्रेजुएट है जी बिल्कुल, हमें ये स्पून फीडिंग करना इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी इन्होंने वो सॉफ्टवेयर में बहुत काम किया है, मॉडलिंग में काम किया है, हर एक के ड्राइंग तो डिटेल में, क्योंकि अगर किसी को जो इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं किया है उनको भी यहाँ आके वो मिल सकता है, वो बन सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ अभी ग्रेजुएट के लिए नहीं है जी, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं। अगर इस लाइन में किसी ने है, मिस्त्री है के कॉन्ट्रैक्टर है, वो आके 2 महीने ट्रेनिंग ले ले, उनका काम हो जाएगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो डिटेल है, स्पून फीडिंग है, इसके लिए ग्रेजुएट वो होना ज़रूरी नहीं है, इससे इनका टीचिंग है। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो उनका फाउंडर है ना पुष्पेंद्र सर, तो उन्होंने बहुत मुझे लगता है वो दिन भर यही सोचते हैं और कैसे मॉडल इम्प्रूव करूँ, तो सॉफ्टवेयर में बहुत काम कर रहे हैं, वो आसान चीज़ नहीं है। तो हम जो फीस देते हैं ना उससे वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो कर रहे हैं। तो लोगों को अपनी ये तो ग्रेजुएशन है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम हम 5 साल से कर रहे हैं ना, 25 साल तक करते हैं ना, वहाँ से ये बाहर निकलते हैं ना, ये हाथ बढ़ा के हमें खड़ा करने, ऐसे इनका सपोर्ट है। तो लास्टली में ऐसे बोल टेक्निकल चीज़ें तो आपको सबको पता है, एस्टिमेशन प्लानिंग BBS अभी हम सब में कॉन्फिडेंस है कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने किसी है, अगर मेरे साइड में किसी XYZ एक आदमी आ गया, अगर वो बोलता है मुझे बार बेंडिंग कट करना आता है, तो उसको मैं एक्सपर्टाइज बना सकता हूँ, इतना मैं रख सकता हूँ, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस आ गया। वैसे तो एक बात पूछना चाहूँगा, आप इंडस्ट्री में इतने साल से काम कर रहे हैं, तो हमारे इंजीनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं ये बोलना चाहता हूँ ना, जो हमारा ग्रेजुएशन स्कूल से ना उसमें ये थेरोटिकल नॉलेज मिलता है ना, वो प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत डिफरेंट है जी। जब हम साइट में जाते हैं ना तब दिक्कतें आएंगे, हमें ठीक से मेजर करना भी नहीं आता, यहाँ बैठ के हम मीटर से MM से क्या भी कन्वर्ट करके देते हैं, मगर मेजर करने के लिए बोल रहे तो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ऐसे बोलते हैं, तो दिक्कतें बहुत है। तो उस तरह की थोड़ा नॉलेज कॉलेज में नहीं मिल रहा है ना, तो ये ऐसे ले सकते हैं कर सकते हैं। और जो नई अभी फ्रेशर्स रहते हैं ना उनके लिए है ना, पहले 3 साल आप पैसे के बारे में मत सोचो, नॉलेज गेन करो, बाद में अपने आप खुद रूल कर सकते हैं, अपने आप को डिमांडिंग बनाओ। अभी हमारे पास डिमांडिंग नहीं है, अभी फ्रेशर है हम, डिमांड करने की औकात नहीं है ना, तो डिमांडिंग अर्न करो। एक बार डिमांडिंग अर्न हो गया, सामने वाले को बोल दो भाई इतना दे होगा मैं करूँगा, नहीं तो नहीं होगा।
ऐसे रहता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया हमारे इंजीनियर्स को, और आई होप इंजीनियर्स आप भी इनसे सीखे होंगे। इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे आप इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो कर सकते हो। इन्हें भी अपने आप को ग्रो करना था, इसकी वजह से यहाँ पर आए और ये सारी चीज़ों को सीखा। तो इससे तो एक बात समझ में आती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप छोटे से लेकर बड़े तक एंड तक के आप सीख सकते हो। तो सीखते रहिए और बढ़ते रहिए, आप हमेशा अपने गोल्स को आगे बढ़ाते रहोगे और उसकी तरफ आगे बढ़ते रहोगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी आपके वैल्यूएबल स्पीच के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा इंजीनियर्स की कैसे इन्होंने भी अपना टाइम इन्वेस्ट किया और सीखा बहुत सारी चीज़ों को यहाँ आकर, और आपको उसकी वैल्यू भी बताई। आगे और भी इंजीनियर्स हैं हमारे, जैसे कि हमारे इंजीनियर महेश अभी आने वाले हैं और आपको बताएंगे अपनी 2 मंथ की जर्नी के बारे में। आइए महेश। तो महेश पहले अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम मय जंगले है और मैं अहमदनगर का हूँ। हाँ। तो सर जब मैं इस क्लास को YouTube पे देखा कि वो हमें हमारी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत इस्टीमेशन भी सिखाते हैं और BBS भी सिखाते हैं, वो मुझे कुछ आता नहीं था। और देखो कि हाँ हमें कॉलेज में बहुत सिखाया कि मीटर में MM में, पर एक्चुअल में जब मैंने देखा कि साइट में जाके देखा तो वो फीट में और सूत में और इंचेस में काम करते, तो मुझे वो कभी बहुत बार नहीं जम नहीं गया। अच्छा। तो फिर मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मेरा बहुत इंजीनियरिंग पढ़ के भी मुझे बहुत नॉलेज नहीं है ऐसा लगता था, और मैं इंटरव्यू से बहुत घबराता था क्योंकि जब देखो ना इंटरव्यू देना है तो हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, अच्छा कॉन्फिडेंस के लिए हमारे पास नॉलेज नहीं था, इसलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ नॉलेज कैसे दें। और मन में भी बहुत डाउट थे वो कैसे करना है। जैसे कि हम यहाँ पर आए तो इन्होंने मॉडल के साथ सिखाया, तो इन मॉडल में जैसे कि हर एक चीज़ सिखाई थी हमें, साइट क्लियरेंस कैसा करना है हमें, फाउंडेशन कैसा बनाना है, साइट एक्सकेवेशन का कैसा करना है, और इस्टीमेशन कैसा बनाना है, BBS कैसा बनाना है, BOQ कैसा बनाना है। और YouTube में बहुत जानकारी है, पर वो क्या है ना, वो एक सिविल गुरुजी में वो सब एक साथ है। जैसे कि हमें चाहिए इस्टीमेशन चाहिए तो वो वहाँ पर छज्जा की होगी, मतलब वो बहुत डिफरेंट की नहीं होगी, तो यहाँ पर एक साथ हमें पढ़ना और सीखना मिलता है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करके? सर आपका लास्ट डे है, हमारे इंजीनियर्स को बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर यह ट्रेनिंग करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो बेसिक नॉलेज चाहिए थी, जो कंपनी में मुझे एज अ इंजीनियर मुझे वहाँ काम करने के लिए और वो इंटरव्यू फेस करने के लिए और एंट्री करने के लिए, तो मुझे वो सब कुछ मिल गया है। अभी वो कॉन्फिडेंस भी है और मुझे ये 100% मालूम है कि मैं जो भी इंटरव्यू दूंगा उसमें 100% क्रैक कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वैल्यूएबल मैसेज हमारे इंजीनियर्स को देने का। तो जैसा कि इंजीनियर्स आप देख सकते हो कि महेश ने भी अपनी ट्रेनिंग यहाँ से आज कंप्लीट कर ली है और ये इंडस्ट्री में उतरने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी है और अपने आप को ग्रो करने के लिए भी ये रेडी है। तो इंजीनियर्स, क्या आप रेडी है अपने आप को ग्रो करने के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप अपने आप को ग्रो करने के लिए रेडी है, और अगर आप करना चाहते हैं तो क्या आपके अंदर वो स्किल्स है जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं? तो इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको पहले पता करना होगा कि क्या वो स्किल्स आपके अंदर है या नहीं है। अगर है तो उसको डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है आपको, अदरवाइज़ आप अपने करियर में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। बिना नॉलेज, बिना टेक्निकल स्किल्स आप इंडस्ट्री में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आप YouTube से भी सीख सकते हैं और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। आगे और भी हमारे इंजीनियर्स के बारे में जानेंगे कि क्या वो सोचते हैं उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, तो मैं अभी बुलाना चाहूँगा हमारे सारे इंजीनियर्स को और जानते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं सिविल गुरुजी के बारे में। तो जैसे कि इंजीनियर्स, आप हमारे इंजीनियर्स को देख रहे हो कि इन्होंने आज अपनी 2 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है,
तो आइए जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं सिविल गुरुजी के बारे में। तो क्या कहना चाहोगे सिविल गुरुजी के बारे में? थैंक यू सिविल गुरुजी। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिविल गुरुजी, थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू सिविल गुरुजी, थैंक यू सिविल गुरुजी, आप सबका थैंक यू कि आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और आप इंजीनियर्स की वजह से ही हम लोग यहाँ पर है और आप ही की वजह से हम लोग आगे जाने वाले है ना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। आप ही वो इंडस्ट्री में आगे बढ़ोगे और वो स्टेप्स लोगे जिससे कि आपका तो नाम होगा, साथ ही साथ हमारा नाम होगा। तो हमारे इंजीनियर्स को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने हमें 2 महीने पूरा कोऑपरेट किया और सपोर्ट किया और एकदम पीसफुली ये सारी चीज़ों को सीखा और अपना काम टाइम पर किया। तो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से टाइप के वीडियो चाहिए ताकि वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। और करना है कुछ खास, सिविल की बात गुरुजी के साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। जल्द ही मिलेंगे इंजीनियर्स अगले वीडियो में।